हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सांडा तेल का रिव्यू। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी फेमस और पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, और इसका अखबारों में काफ़ी एड्स भी आता है। आपने ज़रूर इसका एड वगैरह देखा होगा और सांडा तेल का आपने नाम भी सुना होगा। तो दोस्तों, इसके क्या क्या यूज़ेज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं सब आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और दोस्तों, बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकिंग वगैरह दिखा देता हूँ कि इसका पैक कैसा है, किस तरीके की इसकी पैकिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मेंशन किया है सांडा तेल। और बात करते हैं इसके एमआरपी की, तो इसका एमआरपी है दोस्तों 325 रुपये, और ये 15 ml की बोतल निकलती है। आपको मैं अंदर से खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके की इसकी पैकिंग है, वो भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। इस तरीके की दोस्तों ये अंदर छोटी सी बोतल निकलती है, 15 ml की बोतल है ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूज़ क्या हैं। तो दोस्तों, सांडा तेल जो होता है ये लिंग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए होता है। अगर आपका लिंग जो है कमज़ोर है, अगर आपका लिंग का साइज़ छोटा है, लिंग का साइज़ जो है आपका लिंग जो है साइज़ में छोटा है, और लिंग की नसें ढीली हैं, या लिंग में आपके टाइटपन नहीं है, कड़कपन नहीं है, लिंग कमज़ोर है, और लिंग जो है आपका जो है मोटा नहीं है, पतला है, तो दोस्तों लिंग की जितनी भी समस्याएँ हैं उन सब समस्याओं में इसका काम आता है, काम करता है। और दोस्तों, आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है, आपके लिंग में जो है नसें ढीली हैं, लिंग कमज़ोर है, या फिर जो है लिंग का साइज़ आपका छोटा है, तो इन सब चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा तेल है, और सांडा तेल दोस्तों काफ़ी सालों से मार्केट में जो है बिक रहा है, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। और सांडा तेल दोस्तों काफ़ी समय से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लोग इसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा चुके हैं, काफ़ी फ़ायदा करता है, बेनिफिट करता है ये। दोस्तों आजकल ये सारी प्रॉब्लम जो है लोगों में बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को जो है लिंग में जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी समस्याएं हैं, आखिर दोस्तों ये क्यों हो रही हैं। दोस्तों ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन लोगों ने अपने बचपन में, जवानी में गलतियाँ ज़्यादा करी होती हैं। गलतियाँ का मतलब दोस्तों, जिन लोगों ने अपने बचपन जवानी में हस्तमैथुन क्रिया ज़्यादा करी होती है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। क्योंकि दोस्तों हस्तमैथुन करने से क्या होता है, लिंग का जो है ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, लिंग का साइज़ बढ़ नहीं पाता है, और लिंग की जो नसें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, और लिंग कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब जो करते रहते हैं उस टाइम जवानी में, बचपन में, ये सारी दिक्कतों का नहीं उनको सामना करना पड़ता, क्योंकि वो उस टाइम जोश में लगे रहते हैं, सब करते रहते हैं। तो दोस्तों लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, या फिर जो है जवानी के बाद जब थोड़ी सी उम्र होती है, तब जाके ये सारी दिक्कतें उनको महसूस होती हैं। तो दोस्तों अब ये जो गलतियां कर दी हैं, तो अब वो तो कुछ कर कोई कर नहीं सकता उसमें, लेकिन अगर जो ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक हम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इस तेल का इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छा तेल है, और इस तेल से जो है काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। और जो दोस्तों डॉक्टर वगैरह और ये जो वैद्य वगैरह होते हैं, हकीम वगैरह होते हैं, वो भी जो सांडा तेल लगाने का जो है सलाह देते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये समस्या बहुत लोगों में बढ़ती जा रही है। और आप इसका तेल का यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी वैद्य के पास या हकीम के पास भी दिखाने के लिए जाओगे, तो भी आपको वो सांडा तेल लगाने का एक बार जो है सलाह ज़रूर देगा, क्योंकि इसको लगाने से फ़ायदा तो मिलता है काफ़ी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो ये लिंग है, तो लिंग का जो आगे का हिस्सा है उसको छोड़ के आपको पीछे की तरफ जो है पूरे, मतलब ऊपर नीचे की तरफ और नीचे नसों में हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। थोड़ा सा हथेली पर तेल ये डाल के, 5-6 बूंद डाल के हथेली पे, और ये दोनों उंगलियों से इस लिंग पे मतलब अच्छे से चारों तरफ से मालिश करें, और आगे के हिस्से को छोड़ देना, आगे के हिस्से पे मालिश मत करना, पीछे के हिस्से पे अच्छे से मालिश करो, और तेल अच्छे से लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। और दोस्तों जब तक मसाज करें जब तक जो है स्किन के अंदर जो तेल बिल्कुल सूख ना जाए, स्किन के अंदर बिल्कुल समा ना जाए, तब तक मालिश करें। और दोस्तों इस तेल को जो है आप डेली रात को सोते टाइम यूज़ करें, और रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों कम से 2 से 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करें,
क्योंकि अगर आप कुछ दिन तक लगाओगे तो आपको इतना बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हफ्ते 10 दिन तक या 15 दिन तक लगाते हैं और लगाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं कि तेल ये बेकार है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों इस तेल को आप रेगुलर 2 से 3 महीने तक लगाओगे, इसका कोर्स पूरा करोगे, तभी आपको बेनिफिट नज़र आएगा, तभी इससे आपको फ़ायदा नज़र आएगा, नहीं तो आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है इसको रेगुलर लगाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये तेल जो है 100% आयुर्वेदिक होता है, नेचुरल होता है, इसका तेल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये तेल कोई नुकसान नहीं करता, आप जो है बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका यूज़ करें, और आपको दोस्तों ये तेल जो है किसी भी आपके पास में किसी भी मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप इसका यूज़ करें, अगर आपको ये सारी लिंग की प्रॉब्लम है, लिंग आपका ढीला है, नसें ढीली हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको लगाने के बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी बदल जाएगी, आपका लिंग जब सही हो जाएगा, लिंग की कमज़ोरी जो है ठीक हो जाएगी और लिंग का साइज़ बढ़ जाएगा, तो आप जो है अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर पाओगे, आपका जो है शादीशुदा लाइफ जो आपकी अच्छी निकलेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ जो है अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये सारी दिक्कत होंगी तो आपका पार्टनर, आपकी वाइफ जो है संतुष्ट नहीं होती होगी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा सेक्स के दौरान। और ये सब आपकी जब प्रॉब्लम दोस्तों ठीक हो जाएंगी तो आप सेक्स को पूरा एंजॉय कर पाओगे, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाओगे और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी निकलेगी, आपकी जो है लाइफ काफ़ी बढ़िया रहने लगेगी। तो दोस्तों जब सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती और पार्टनर में बनती नहीं है सेक्स की वजह से, तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इस तेल को यूज़ करें, आपकी जो है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जितनी भी आपकी लिंग की समस्याएं वो सब ठीक हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर पाओगे और सेक्स लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे और आप जो है काफ़ी बढ़िया ज़िंदगी अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सांडा तेल का रिव्यू, मैंने जो भी आपको बताया है, जितनी भी आपको बातें बताई हैं, तो हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों फिर भी आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।